बोला घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी अपडेट है DSSB दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, बहुत से साथी इसका इंतजार कर रहे हैं कि भाई TGT और PGT की जो 2023 की भर्ती है उसके जो कुछ एक सब्जेक्ट बच गए हैं PGT में और TGT, शायद 5118 कितने पदों पर भर्ती है, इनका एग्जाम कब होने वाला है, बहुत लंबा इंतजार हो गया। ठीक है, और अब हम बात करें कि नया रिक्रूटमेंट TGT PGT NTT स्पेशल एजुकेटर हो या फिर JBT हो, इनका नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। ठीक है, और उसमें क्या एज रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी कैसे करें। ठीक है, इन सभी बातों पर हम संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, देखो यदि हम बात करें कि नए रिक्रूटमेंट की, यदि नए रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो दिल्ली में जो LG साहब हैं, उपराज्यपाल श्री विवेक जी सक्सेना जी ने पहले ही कमिटमेंट किया हुआ है कि 2024 और 25 में टीचिंग जो पद है, चाहे वो NTT हो, TGT, PGT कुछ भी हो, 20,000 प्लस पदों पर भर्ती होगी 2024 और 25 में। ठीक है, तो ये भर्ती आपकी JBT की होने वाली है, जिसमें लगभग 5,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें DEO हो, MCD, NDMC, तो लगभग 5,000 प्लस तीनों जो भी संस्थाएं हैं 5,000 प्लस पदों पर भर्तियां होने वाली है। डिपार्टमेंट को लेटर जारी करके पता कर लिया है कि भाई कहाँ कितने पद वैकेंट हैं। उसके बाद NTT नई शिक्षा नीति में लगभग आगे भविष्य में NTT जो है, नर्सरी जो टीचर ट्रेनिंग है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाली है, चाहे वो चंडीगढ़ में हो, चाहे वो यहाँ HSSC हो या फिर KVS हो, DSSB हो, तो NTT की दिल्ली जो DSSS जो है उसमें 1200 प्लस पदों पर भर्ती होने वाली है। स्पेशल एजुकेटर की बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आई है, यहाँ भी लगभग 1000-1200 पद आने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ TGT की, तो अभी तो फिलहाल 2023 का एग्जाम ही नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन नया रिक्रूटमेंट लगभग 4500 प्लस कैंडिडेट्स का आने वाला है। PGT जो है, PGT भी लगभग 1000-1200 पद आने वाले हैं, तो ये लगभग 20,000 पदों की बात हुई है, तो इसमें और घट बढ़ सकते हैं, इसमें अभी एक्यूरेट कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन लगभग नया रिक्रूटमेंट आने वाला है। एज की यदि मैं बात करूं तो एज विशेषकर JBT में 3 साल की छूट दी जा सकती है, इस तरह का प्रावधान, इस तरह का विचार विमर्श चल रहा है। ठीक है, और अब मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस की भी संक्षिप्त सी बात करता हूं। सिलेबस जो है, जो DSSB की जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं, जो दिल्ली में नौकरी लगना चाहते हैं, तो उनके लिए दो ही कंडीशन है जो उनको फुलफिल करनी है। एक तो टाइम वहां मैनेज करना बहुत अनिवार्य होता है, और दूसरा जो नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, ये दो ही जो पॉइंट है जो आपके सिलेक्शन को बढ़ाएंगे, आपका सिलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, टाइम मैनेज आना चाहिए क्योंकि समय कम होता है। यदि मैं JBT की बात करूं, तो चाहे JBT हो, TGT हो, भी कोई भी किसी भी प्रकार की जो टीचिंग पदों पर भर्ती होती है, उसमें जो पहला फर्स्ट पेपर है वो मेन होता है। सेकंड तो चूंकि JBT में तो वही जो पहला पेपर की जिसकी तैयारी है वो आराम से कर देगा सेकंड पेपर भी JBT में, तो TGT में पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, PGT में पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में वो 5 सब्जेक्ट होते हैं 20-20 नंबर के, लेकिन ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है, जो 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, और एक मैं और बात बताता हूँ कि जो 0.25 नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ये बहुत अहम रोल अदा करती है। तो पहला पेपर तो सभी में कॉमन होता है। ठीक है, तो ये लगभग आपकी वैकेंसीज, नई वैकेंसीज आने वाली हैं। सेकेंड पेपर पार्टिकुलर जिस सब्जेक्ट से हम BEd है या मास्टर डिग्री है उस हिसाब से होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, और जिसका पहला पेपर बहुत अच्छा होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। NTT के बच्चे जो भी है वो भी तैयार रहे, आपकी वैकेंसी आने वाली है, स्पेशल एजुकेटर की भी आने वाली है।
ठीक है, टीजीटी पीजीटी की, जेबीटी की। जेबीटी का सबसे ज्यादा कंपटीशन जेबीटी में रहने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जेबीटी की भर्ती नहीं हुई है, ठीक है, और बच्चे बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। एक विशेष जो रोल होता है, जो जिसमें मैक्सिमम जो हम रोल कह सकते हैं इस भर्ती में, चयन प्रक्रिया में जो रोल होता है वो होता है सीडीपी का, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जो पैडागोजी होती है, शिक्षा शास्त्र होता है, ये बहुत रोल अहम है। एक अभी आपका सीटेट का भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, शायद 14 दिसंबर इसका समय डेट है। तो सीटेट जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो उसकी पैडागोजी जो है सीडीपी है वो तैयार हो जाती है, ठीक है। और इसका फायदा हमें एक तो जेबीटी में सेकंड पेपर में मिलता है, सेकंड पेपर पूरा ही सीडीपी का होता है, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर हो गया, साइकोलॉजी हो गई, कुछ एक हिंदी इंग्लिश का भी पोर्शन होता है। तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, टाइम मैनेज करना आना चाहिए, 0.25 नेगेटिव मार्किंग से बचना है, और प्लस सीडीपी आपकी बहुत अच्छी तैयार होगी तो आप DSSS भी आराम से फाइट करेंगे। अब हम पुरानी भर्ती के एग्जाम डेट की बात करते हैं। देखो एग्जाम तो जो पीजीटी के कुछ है सब्जेक्ट है जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, उनका दिसंबर में देखने को मिलेगा आपको, मे बी इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी है। बाकी अभी वहां चुनाव है फरवरी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें, जैसे फरवरी में चुनाव है तो मार्च अप्रैल में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, पुरानी भर्ती के एग्जाम, नया रिक्रूटमेंट और सारी चीजें। लेकिन उससे पहले तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये करना है कि फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है विद सीडीपी, ठीक है। सीडीपी के साथ आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी, ताकि आप टाइम मैनेज करें और पेपर सोल्व करके देखने हैं बार बार। पहला पेपर सोल्व करना है, कोई भी मॉक टेस्ट उठा लेना, पहला पेपर सोल्व करोगे तो 0.25 से कैसे बचोगे वो आप खुद सीख जाओगे कि आप कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो जो साथी नए हैं, जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। मैं खुद दिल्ली DSSB में लेक्चरार की पोस्ट पर कार्यरत हूँ, अभी मेरा प्रमोशन होने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट PGT लगा था मैं, तो जैसी भी छोटी बड़ी जो भी अपडेट है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करें। जैसी भी अपडेट होती है छोटी बड़ी स्पेशल DSSB की, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।